हेलो गाइस, तो सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हम लोग मकड़ी ने हमें दौड़ाया, अभी हम लोग एक क्लिप से गिरे हैं और देख सकते हम पे लगा नेट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो आप देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हुए थे। ये वाला पजल भी मस्त था, हम बच गए। लेकिन हमें यहाँ पे कूदना है, जैसे कि इस स्टिक पे जैसे मैं कूदूंगा ये टूट जाएगा। पर पता है, पिछली बार जब मैं पहली बार इसे खेला था ना, तो हम यहाँ पर से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पर अब हम लोग, मतलब कि मैं बेहतर हो चुका हूँ, मुझे पजल में अब मैं अटकता नहीं हूँ। पहले हम काफी अटकते थे। देखिए यहाँ पे सब ये, मैं तो चल गया। हाय राम, हाय राम, हम ये गलती दोहराएंगे नहीं। सब बेहतर है। आप देख सकते थे कि आगे काटा था, हमें नहीं लगा था, पर हम बस कूद गए। भागो मकड़ी, ये तो नकली मकड़ी है, मैं उधर जाऊँ कैसे? इस पे दम लगाते हैं। अरे यार, फिर से गिरा दिया। लीवर से ये खुलता है, ऊपर नीचे। हमारे साथ कोई खेल रहा था। कूदना नहीं था तो शायद हमें पीछे दौड़ना है। आ रहा है, ज्यादा पहले हमने छलांग लगा दी। हमें नहीं लगता कि इस बार हम वो गलती दोहराएंगे, पर ये गलती। उन लोग एक और चीज अभी गिराएंगे, ये छोटा सा बॉल। ये तो इतना बड़ा था कि मैं इससे कभी छलांग नहीं मार पाता। वो भाग रहे हैं, ये शैतान बच्चे मुझे परेशान करते रहते हैं। कितना अच्छे से मैं ढूंढने हुए अपनी बहन को, तो भी नहीं ढूंढते रहते हैं। हर जगह बच्चे फांसी पर लटके हुए हैं। सब बच्चे यहाँ सुसाइड करते हैं क्या? एक मिनट, एक मिनट। नो, आई केम आउट। इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा काफी बेहतर स्टार्ट थी। हमें अब इस रस्सी के ऊपर चढ़ना है। ये बच्चे अपनी रस्सी ऊपर कर ले हैं, शायद हमें कहीं और आगे। हाँ, हमें आगे ही जाना है। हमें ये वाला पजल याद है, यहाँ पीछे मकड़ी पीछा करेगी, जो कि आप देख सकते हैं। बस खेल खत्म। अब हमें कोई ऊपर चढ़ना,
जब तक मकड़ी नहीं आए, मकड़ी आएगी इसे उठाएगी और हम ऊपर की ओर लिफ्ट होंगे और एक छलांग, एक मिनट, ये हाँ ये बेहतर था। इसे गिराना है और कूदना है। हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चलो मकड़ी गई नहीं, अभी मकड़ी नहीं गई। मुझे याद है मुझे ये क्या कहते हैं पत्थर गिराना होता है, पर इस पर कैसे गिराऊँ? मैं कूदूँ? कूद तो रहा हूँ पर ये पत्थर नहीं गिर रहा। लगता है दो तीन बार कूदना पड़ेगा या फिर कोई और रास्ता है। शायद अभी मकड़ी नीचे, पर एक ही रास्ता है। क्या मैं इसे घसका सकता हूँ? नहीं मैं घसका नहीं सकता। ओहो पत्थर गिर रहा है, हमें यहाँ पे छिपना पड़ेगा। नहीं हमसे पंगा लोगी मकड़ी, जान से जाओगी। हमें लगा कि ये लकड़ी का टुकड़ा गिरने लगेगा, जैसे कि सबसे पहला पजल था इसमें लिम्बो में। हाँ तो अगर लिम्बो गेम पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हम और ऐसी वीडियो आपके लिए ला सके। ये शैतान बच्चे और पीछे मकड़ी, बच गए। ओके हमें लगता अब तो ये टूट जाना चाहिए, इतना टाइम क्यों ले रहा है? क्या और दम चाहिए या कूदना पड़ेगा? पिछली बार पता है हमने पहली बारी में ये मतलब कि हाथ निकाल दिया था। ओ ये ऐसे भी नहीं हो रहा है, और कोई उपाय है? तो चढ़ना भी के लिए सोचना पड़ गया। तो आप देख सकते हैं व्यूज काफ़ी कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी, तो हमें नहीं लगता कि हम ये चैनल कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कुछ मदद करिए, वीडियो को शेयर करिए अगर आप कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है कि पता है वो सारे जो बच्चे आप देख सकते हैं ना आगे, उन्हें हमें मारना पड़ेगा अभी। मतलब कि आगे नहीं कहीं पे तो यहाँ यहीं पे आए थे बच्चे, उन्हें मारना पड़ेगा। सोच लीजिए हम कितने गंदे हैं। ये बच्चे भी ऐसे भी कम थोड़ी ना अच्छे, ये हमें मारना चाहते हैं। तो एज अ सर्वाइवल गेम और एडवेंचर हमें तो उनसे बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमें लगता है हाँ ये वाला पजल हमने किया है, इसमें उसे तोड़ना है और इस बॉक्स को लेना है। इसलिए मैं आगे भी नहीं बढ़ा हूँ, मैं इसी को तोड़ने पहले ही आ गया क्योंकि मुझे पता था। तो अब बस बॉक्स को ले जाना है। ओके देख लिया हमने कैसे उस बॉक्स को मतलब कि हमने इस्तेमाल किया। अब शायद नहीं नहीं हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसलिए सॉरी फॉर दैट। ओ हाँ यहाँ पे पता है एक पिल्लो मिलती है जो हमारे सर पे चढ़ जाती है, और पता है उससे क्या होता है? वो देखिए हाँ यही होता है, वो पिल्लो है ना किसी तरह से मतलब ये कीड़ा या पिल्लो या बॉम्ब जो भी कहे आप, ये पानी में हमें ले जाना चाहते हैं। और ऐसे भी आपको तो पता है हम तैर नहीं सकते, और फुली कंट्रोल इसी के हाथ में होती है ना ही कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये जो डायरेक्शन चाहता है ना वही डायरेक्शन चलना पड़ता है। तो अगर आप ट्राई करने की सोच रहे हैं तो अगर आपको थोड़े से कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ। हाँ ये एक भयानक सा पजल है। ओ देखे काफ़ी मतलब इतने इतने भारी भारी ट्रैप कौन लगाता है, इतने बड़े बड़े एकदम मुश्किल वाले ट्रैप, तो मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है। और ये लगा के दिखा देते हैं।
यही होता है गेमिंग क्रिएटर की ताकत। अब आगे बढ़ते हैं। यही देख सकते हैं आप, वो ऊपर से बिल आगे ओ, ये इन्हें पंछी खा रहे हैं। ये पंछी है ना, इनके प्रीडेटर होता है, मतलब कि ये मतलब इनका इन्हीं यही एक है ना जो इसे मार सकता है। और ये सनलाइट से चिढ़ते हैं, तो देखिए आगे अब ये दिखा दिया तो मिलना तो है। तो बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो बंद मत कर दीजिए, आगे मज़ेदार होने वाली। अगर अभी बोरिंग लग रही है तो देखिए इसमें उल्टा था, उसमें पहला वाला जो उठा था उस पर चलना था, इसमें जो नीचा था। ये पिछली बार मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, काफ़ी बार मजा था। और ये वापस दौड़ने में तो हालत ख़राब हो जाती है। अभी वो देखे इस बार गलती से शिट। तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। हमें नहीं लगता गलती दोहराने की चीज़ है, ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है जो कि हम दोहरा रहे हैं। ओहो मुझे यहाँ पे याद है, पर जिसने भी बनाया काफ़ी सोच समझ के बनाया सर, पर एकदम ऐसा नहीं है कि जिसमें क्या बोले बात एकदम गजब ही है गेम। ओह I'm sorry. इस बार ये गलती नहीं दोहराऊंगा। एक और चांस दीजिए, ये क्या कहते हैं हम भी तो इंसान है, गलतियां तो हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं ना कि आप ये हमसे ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लिया, शायद उसी की कमी थी, कमी मुझ में है वो। इस बार मैं समझदारी दिखा रहा हूँ, सब कुछ धीरे धीरे। यहीं से भाग जाता हूँ, कहे को बेकार कहीं लोग से पंगा ले तो। ओके हाँ, एक देखे नीचे गड्ढा में गिरा, और एक ये दबेगा, और एक ये जो बचेगा ना इससे दबेगा, हमें इंतजार करना। ए दब गया, यही पजल बिच नहीं, ये ट्रैप ने कोई और बचाएगा, नहीं तो इन्हें पता नहीं चलता। एक बच्चे की खून भी कर दी हुआ, हमें जैसा कोई होगा मासूम। तो ये भी हमें अच्छे से याद है, इसमें दो वायर है, वो आगे दो गेट है। तो सबसे पहले इसे आगे करना पता है, मतलब कि मुझे दिखाने का नहीं, मैं करके दिखाता हूँ, समझाने का वक्त नहीं है। आप मैं करूँगा ना तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे इसे, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। ओह कट गया ना, नहीं वो गलती से हो गया था। देखिए यहाँ पीछे किनारे कॉर्नर में देख सकते हैं कुछ ऊपर आ रहा है, हाँ ऊपर आ गया। अब हमें लगता है कि बढ़ना चाहिए उस तरफ, ये थोड़ा सा फास्ट वर्क होगा करना, देखिए किस तरह से करते हैं। ओ आई एम सॉरी, ये तो हट गया यहाँ पर से, हाँ देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमें दोनों के ऐसे टाइम पे उठाना है कि हम फास्टली मतलब कि पार हो सके। तो गेम रिसेट हो गई थी मरने के बाद, इसलिए हमने यहाँ तक तो लाई थी, पर वापस रिसेट के बारे में सोचा नहीं, तो आई एम सॉरी। तो थोड़ा सा फास्ट वर्क हो जाए,
हमें लगता है टाइम पे पहुँचेंगे। ओह यस, आप समझे। देखिए एक ऊपर नीचे है, अब थोड़ा सा हम लोग को नहीं, थोड़ा नीचे होके झूलना पड़ेगा, क्योंकि लगता नहीं है कि हम लोग इतना दूर पहुँच जाएंगे। क्या पता ब्लेड के कारण कट भी जाए ये कल। ओहो थोड़ा सा बस। ओके दैट्स इनफ। ज़्यादा टाइम नहीं लिया, पर पिछली बार बहुत टाइम लिया था। एक और, हाँ ये जो मशरूम देख रहे हैं ना, इससे भी पता है एक पजल सॉल्व होगा। पर पहली बार में ओ नो पिल्लू भागो। देखिएगा अब तो आपको देखना ही है, क्योंकि इसके आगे ऐसे ही जाना है। पूरा कंट्रोल गायब है मेरे हाथ से। आपको लग रहा है कि मैं पीछे जा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं। ये कंट्रोल देखिए, इसे जलन हो रही। अब ये उधर उस डायरेक्शन को मुड़ेगा, और जैसे ही मैं उस डायरेक्शन को मतलब कि जाने लगूँगा तो ये थोड़ा सा फास्ट चलेगा। मतलब बस मैं इसे स्लो और जंप करवा सकता हूँ। तो देखिए मैंने जंप कराया और पहले करवा दिया, पानी में चल गया, ये अब इसका काम हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। तो दूसरे पार्ट का इंतज़ार करिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। हम आपके लिए इतने मेहनत से वीडियो लाते तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा लीजिए।